Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to talk about pigmentation. कैसे हम कर सकते हैं पिगमेंटेशन को कम और उसे होने से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो कीप ऑन वॉचिंग. एंड यस, अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पुट अ वीडियो. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज, इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ, एंड दैट प्रोडक्ट इज एसेनिक जेल, एसेलिक एसिड जेल 20%. एंड ये ट्यूब मैंने कल ही खरीदी है, मेरी ये ओल्ड ट्यूब खत्म गई है. मैंने बहुत बार रेकमेंड किया इस प्रोडक्ट को. प्लस वन थिंग आई वांट टू टेल, ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा आपकी स्किन को. जो ये वाला एसिलिक एसिड है वो आपकी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, बट दिस एसिलिक एसिड विल नॉट इरिटेट योर स्किन एट ऑल. सो मेनी ईयर्स अगो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, सो तब से मैं ऑन एंड ऑफ लगाते जा रही हूँ एसिलिक एसिड को, एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. सेकेंडली, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपकी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, सो यू कैन ट्राई दिस लैक्टिक एसिड और 8% मिंडालिक एसिड. इफ यू हैव वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन और इफ यू आर अ बिगिनर, देन यू कैन ट्राई दिस 8% मिंडालिक एसिड फेस सीरम फ्रॉम डर्माको. इसमें मिंडालिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, एंड ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है. सारे प्रोडक्ट्स नाइट टाइम में यूज करने हैं मोस्टली. एंड सेकेंडली, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप ग्लाइकोलिक एसिड नहीं लगा सकते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस 10% लैक्टिक एसिड फ्रॉम नीमली. आप किसी भी ब्रांड का लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं. अगर बिगनर हैं, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव स्किन है, तो ट्राई 5% लैक्टिक एसिड, बट अदरवाइज यू कैन यूज दिस 10% लैक्टिक एसिड प्लस हाइलुरोनिक एसिड. ये भी बहुत ही अमेजिंग सीरम है. ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब खत्म ही हो गया, एक दो ड्रॉप बचे हैं इसके अंदर. आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस. बिल्कुल अच्छे से आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं आंख बंद करके. सो थर्ड प्रोडक्ट है 15% AHN 1% BHA. इसमें है 5% ग्लाइकोलिक एसिड, 5% लैक्टिक एसिड, 5% मिंडालिक एसिड एंड 1% सैलिसिलिक एसिड. सो ये फेस सीरम बेसिकली आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को हटा देगा बहुत ही इजीली, बहुत ही अमेजिंगली. इसके आउटर पैकेजिंग में सब कुछ लिखा होगा कि इसे कैसे यूज करना है. इसे 10 मिनट्स तक अपने फेस पर लगाना है ड्राई स्किन पर, उसके बाद उसे वॉश कर लेना है, एंड एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर लगाना है. वीक में आप 2 से 3 बार इसे यूज कर सकते हैं. अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप एक ही बार यूज करना है इसको. धीरे धीरे जब स्किन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ये सारे केमिकल्स लेने लग जाएगी, तो आप इसे 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं ओनली एट नाइट टाइम. ये सारे जो प्रोडक्ट्स क्या है, नाइट टाइम में लगाना प्लस ड्राई स्किन पर लगाना. ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एसिड्स हैं, ड्राई स्किन पर ही लगाने चाहिए. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सनस्क्रीन कुछ भी लगा रहे हो नाइट टाइम में, अपनी स्किन को ट्रीट करो अच्छे से नाइट टाइम में, बट डे टाइम में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ सनस्क्रीन. एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं सनस्क्रीन लगाने के बाद भी टैनिंग नहीं जा रही है, टैनिंग है, टैन हो जाती है स्किन. सो सनस्क्रीन को रीअप्लाई भी करना होता है, कुछ घंटों में रीअप्लाई भी करना है, क्योंकि हम बहुत बार अपने फेस को छूते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगाते हैं. सो इन रीजंस की वजह से सनस्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर पाती है. सो फर्स्टली, अच्छे अमाउंट में सनस्क्रीन लगानी है. सेकेंडली, उसको रीअप्लाई करना है. बार बार फेस को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि फेस पर हाथ लगाने से उसका जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाता है ऑब्वियसली. सो इन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एटलीस्ट 3-4 मंथ्स बाद. सो मेक श्योर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को, इनमें से कुछ भी एक दो प्रोडक्ट्स आप यूज करना चाहते हैं, तो उसको 3-4 मंथ्स तक यूज करें. सो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक. कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.